बहुत ही सेक्सी व्यू आ रहा था, ये देखो सामने अटल टनल के बाहर का व्यू। और यहाँ पे बर्फ नहीं है। शिट मैन, यहाँ बर्फ नहीं। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 27 जनवरी और कल 26 जनवरी को भाई मनाली में पड़ गई बर्फ। सोलांग वैली के अंदर मैंने काफ़ी सी रील देखी है, वहाँ दिखा तो रहे हैं कि बहुत बर्फ़ पड़ी है 3-4 बजे के आसपास। और मेरे सामने जो पहाड़ है उसके टॉप पे हल्की सी बर्फ़ कल भी थी, पर उस साइड के जो पहाड़ है ना वो वाइट वाइट हो गए हैं एकदम से ना। और मेरे पीछे जो दिख रहा है ये पेड़ है उसके एप्पल के, तो एप्पल का सीज़न बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट आएगा क्योंकि इनको ठंडी ज़्यादा चाहिए होती है अच्छे वाले एप्पल्स को। तो 10 बजने वाले हैं, हमने सोचा था कि रात को चलो जल्दी 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 रेडी हो जाएंगे, सुबह निकलेंगे, बट नहीं हो पाए। 10 बजने वाले, ब्रेकफास्ट करते हैं, चलते हैं फिर ट्राई करते हैं सोलांग वैली हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे देखो जहाँ पे बर्फ़ मिलेगी वहाँ जानी को। फ्रंट व्हील अपनी गाड़ी ले जाए, कोक्सल ले जाए, चाहे की लॉन्ग ले जाए, आज पूरा दिन का ट्राई है। और लास्ट में अगर हो पाया तो फाइटर मूवी देखने का कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। अपन लोगों ने निकलने में काफ़ी टाइम लगा दिया, तो अभी 10:45 हो रहे हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा रूट है ना, ये मेरा चंद्रमुखी होटल से पूरा ब्लॉक्ड है। शायद बर्फ़ पड़ी है क्या नहीं है, अब लोग बोल तो रहे हैं कि जो नेहरू कुंड वहाँ पर स्नोफॉल मतलब का है, कुछ स्नो है कि यहाँ से लेकर पूरा वशिष्ठ का जो रोड है मेन हाईवे वाला पूरा जाम है अभी तक, जबकि हार्डली वो रूट इतना अच्छा है ना, खाली है, चौड़ा रूट है, तब भी वो अभी तक जाम में दिखा रहा है। टोटल मिला के आधे घंटे का जाम दिखा रहा है मुझे, और कोकसर रास्ता 1 घंटे की जगह पे 2 घंटे का दिखा रहा है। देखते हैं, खाने के लिए भेजा लोगों को। ऐसा नहीं होता, रिव्यू देना पड़ता है, तुमने खाया इतना अच्छा दबा के। देखो तुम राहुल ने 1, 2, 3, 4 डोसा खा के पेल के बैठा, पेड़ देखो उसका पूरा। अभी मेरा एक और आने वाला डोसा, घी रोस्ट, घी रोस्ट बहुत अच्छा डोसा है यहाँ पे। केरला प्रॉन, देखो मेरी प्रोफाइल अभी भी, ये डॉक्टर लोग हमेशा परेशान करते हैं। यहाँ पे लग गया जाम और हमने ये एनसीस कैफे है सामने ना, तो इसका साउथ इंडियन वाला हमने खाना खाया। हमारा टोटल कितना डोसा होंगे हमारे? 1300 रुपए में हमने कितने भाई, 3-4 तो घी रोस्ट हो गए, 6-7 डोसे खाए, 7-8 से ऊपर हमारे डोसा खाए हमने। मस्त के बाद 2 केले परांठे, हाँ केरला नहीं नॉर्मल केरला वाले हाँ, पर खाना अच्छा है। मनाली का आओ तो यहाँ का खाना प्लीज़ ट्राई करना, साउथ इंडियन वाला बड़ा सही है, बहुत अच्छा। मॉल रोड से फार बेटर है, ऊपर आना है बस यहाँ पे। भाई को देख कहाँ से गाड़ी निकाल के लेके गया यार, बंदा गिरा क्या, उलट तो रहा है कुछ, तो कुछ कांड हुआ है यहाँ से छोटे नहीं गए, गिरा क्या? गिरा। हिमालयन है, हिमालयन गिरी है, वहाँ पे ब्लैक आइस है ना, आराम से तुम भी आराम से। अरे भाई साहब बहुत गंदा स्किड हुआ है। अरे वो भी क्या, ओ शिट 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 शिट, कैमरे में क्या हो क्या, स्कूटी तो बहुत रिस्की है इस रूट पे अब। अरे ब्रेक यूज नहीं करने चाहिए ऐसे जगह पे यार, उसने गलत जगह पे गीली जगह पे ब्रेक मारी है। ये हमारा भी तो स्किड कर रहा था भाई, स्कूटी कितने स्लो लेके आया हुआ, सब स्लो गए भाई, इंजन ब्रेकिंग यूज करनी चाहिए, पैरों को यूज करना चाहिए इस टाइम पे। सो गाइस फाइनली अपना रेड बीस्ट अटल टनल क्रॉस करने वाला है, हमने 2-3 बार ट्राई करा, अब देखो टनल सीधा। सो अभी अपनी अटल टनल हो गई खत्म, देखो अटल टनल के बाहर का व्यू। और यहाँ पे बर्फ नहीं है। शिट मैन, यहाँ बर्फ नहीं, ओ फक, बर्फ पड़ी ही नहीं ये है। देखो बट इधर देखो, ये पुरानी बर्फ है, वही ना, ये बहुत पुरानी है तो, बट व्यू बहुत चेंज हो गया। हाँ बट बर्फ नहीं पड़ी है, ये अनश्योर, यतन बर्फ ही नहीं पड़ी इस बार भाई, पता है मुझे नहीं बात करना। अब यहाँ से क्या सुसु चलना है, उधर चलना डिसाइड कर लो, कोक्सर चलते हैं, सुसु चलते हैं,
कोक्सर चलना है, सिसु तो नहीं जा रहे हैं, सिसु वहाँ पे खड़े हुए यही लोग खड़े हैं पब्लिक देखने के लिए, अब क्या करना है यार, देख ले कितना आगे जाना है। कोक्सर चलते हैं ना, कितने रह गए, 8 किलोमीटर कोक्सर है, चलो आधे घंटे की तो रास्ता है, ज्यादा जा पाएंगे, चल लेते हैं। कोक्सर मैं गई नहीं हूँ, मैं सिसु के लॉन्ग गई हूँ। अरे भाई सिसु जाना है, सिसु जाना है। सो ये व्यू है, आप जैसे ही अटल टनल क्रॉस करोगे वहाँ से लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट जाओगे तो सिसु, राइट है कोक्सर। तो हम कोक्सर जा रहे हो, यहाँ से 7 किलोमीटर का रास्ता है। टिल नाउ राइट हैंड साइड पे लग रही है फ्रेश न्यू, देख हल्की हल्की फ्रेश है, कल उधर लग रहा है, कल ये दिख रहा है बस यार। बस एक बात है, लेफ्ट वाला पार्ट बेचारा, लेफ्ट वाला पार्ट सोच रहा होगा यार मेरे को क्यों छोड़ दिया। वो रहा दो बूंद मुझे पिला विसाखी, फिर देख होता है क्या। किसने बोला था पिला के देख ले तभी तुमको हमें बर्फ नहीं दे रहे। अभी हम कोक्सर से हमने यूटर्न मारे, कोक्सर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा था, कम से 25 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा, तो हम यूटर्न मार के सोचा कि यहाँ तक आ गए हैं तो चलो आगे थोड़ा और सरका लेते हैं, किलोंग ही चल लेते हैं, थोड़ा बर्फ़ भी नहीं है। हाँ बर्फ़ इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है न्यू कमर्स के लिए अच्छी बर्फ़ है, हम जैसों के लिए तो कम है थोड़ी बर्फ़, और प्लस किलोंग का हमारा हो भी जाएगा ना पूरा टारगेट। अभी अपन ने गाड़ी रोकी है एक जगह पे, बहुत ही सेक्सी व्यू आ रहा था, ये देखो सामने सामने छोटे छोटे जो वाटरफॉल की जो धारा टाइप होता है ना वो आ रहा होगा कहीं से, वो पूरा जमा पड़ा है, देखो इतना प्यारा लग रहा है ना यार, गजब। सिसु का वाटरफॉल जैसे जम जाता है वैसा कुछ है, और जो पानी है ना नीचे का काफ़ी अलग ही फील दे रहा है, और लोग लगे हुए हैं यहाँ पे फोटोज वोटो क्लिक कराने करा सकते हो। कोक्सर बहुत पहले, कोक्सर यहाँ से 3 किलोमीटर पहले है, नहीं उतर पाऊंगी। हम जा रहे हैं नीचे ट्रैकिंग करने के लिए, चलो उतरो मेरे पीछे पीछे आ जाना, उधर से आऊँगी। मोलर स्टेप लेकर आओगे तो आ जाओगे पे, फिर आ जाएगी, इतना भी टफ नहीं है, घुटना आ जाएगा, लेकर भी आ सबको। मैंने कर लिया। फाइनली अपन लोग आ चुके हैं बर्फ में, ये देखो ये, और हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे कहीं ऊपर खड़ी करी है, वो पता नहीं किधर खड़ी करी है, ऊपर कहीं पे खड़ी करी है गाड़ी, ठीक है यहाँ पर है शायद सामने ना, और कोशिश है सामने जाने की, देखते कैसे जाएंगे, ये सारे चल रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं देखते हैं कैसा रास्ता है। ओए देख के चलो, कोई नहीं कैप्चर कैप्चर मज़ा आएगा। देखो दो दो बंदों की नीड पड़ रही है, ये लड़के किसी काम की नहीं है, सही बात है, नाम की डॉक्टर है। अब हम कोशिश करेंगे वहां से उधर ऊपर जाने की, ये लड़का हमें छोड़ के भाग रहा है, ट्राई करने की कोशिश करो, ये देखो पतली से कितनी, इसका दिमाग खराब हो गया भाई, ये जो बंदे जो ये वाला है नहीं, इधर दिखा, इधर दिखा रहा हूं, दिखा ना, ये मजबूत है बड़ा, आइस है नहीं टूटेगा यार, जो मैं तोड़ता हूं, ये पूरा आइस है देख, दिमाग खराब, दिमाग खराब, तोड़ूंगा जरूर भाई उस साइज को, देख 1 2 3 इसे बोलते दिमाग खराब, ये भी गई, बस अब वापिस हो जाओ भाई, मैं कुछ। अपन जा रहे हैं अपना वे देखने के लिए उस वाटरफॉल के पास भाई, देख के कोई नहीं कोई नहीं। तो यहाँ पे नदी है, जब तो यहाँ पड़ी है मेरे तो भाई, क्या बोल रही है, बोलने नहीं पड़ा मेरे को, कौन सी भाषा में बोल रही है, हरियाणवी थी। तो हम देखते हैं क्या ये क्रॉस कर सकते हैं हम अपने दम पे, करके तो मजा आ जाएगा।
नहीं करे तो कोई नहीं, हाँ वापिस ले आएंगे भाई, वापिस चलते हैं भाई, वापिस चलते हैं, ये ना हो पाएगा, ये ना हो पाई, दूर से हो दिख रहा था, ये ना हो पाई भाई, प्रेशर कितना तेज है, मेरे को पहले पता लग रहा था, मैं कह रहा था नहीं ये पत्थर था सामने, मुझे लग रहा दूर से वो वाला सही था, वो दूर वाला ऊपर चल के बैठो, नहीं नहीं देखते ना कितना है भाई, छलांग हाथ लगानी पड़ेगी भाई, वहाँ वहाँ टफ है मामला, पानी के साथ प्रेशर बहुत तेज हो गया एकदम से ना, ये देखो बर्फ में बर्फ क्या ही जमती है हमारे फ्रिज में, ये देखो तगड़ा वाला आइस, अरे अपना इस बर्फ के अंदर मैगी बनाने का जुगाड़ हम लगा स्टार्ट करते हैं, अपने कैंपिंग वाले जुगाड़ सारे बना दे ना मैगी, ये हमने लिया था इसी स्पेशल यहाँ पे बर्फ के सामने मजे लेने के लिए और राहुल ने कहा था राहुल नहीं खाएगा मैगी आज, हमारे हाथ में मसाला चार मैगी का, तीन बनाएंगे ठीक है, देखो मैगी ऐसे बनती है पहाड़ों में, हमने भाई ये पानी ना गर्म हो रहा ढंग से, इसके डाल देते इसके अंदर ताकि पता चले कितना गर्म हुआ, ओ देखो इसने थर्मामीटर बना दिया, मैं कह रहा था ना सॉल्यूशन आके एकटे उल्टे दिमाग चलता है करना पड़ता सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता भाई, भाई जो भी हो ये मैगी बन गई ना बड़ा मजा आएगा, नहीं बनी तो गाली खाने को मिलेगी, गाली तो इसे बहुत मिलेगी काट दो अब आगे बन... तो अपनी मैगी बन गई है और GoPro का फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है, इसके पीछे मत आओ एक बार देख लो हाँ जगोरे दिखा रहा हूँ कैसा है।